विदेशों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्पेन में ओमिक्रॉन के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। स्कॉटलैंड में ओमिक्रॉन के 6 केस मिले हैं। जापान ने विदेशी यात्रियों की एंट्री बैन कर दी है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ओमिक्रॉन से घबराएं नहीं, बूस्टर शॉट लें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंता का विषय है, लेकिन इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बाइडेन ने कहा है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो तुरंत वैक्सीन लें, जिन्होंने वैक्सीन ले ली है नए वेरिएंट को लेकर डर रहे हैं वो तुरंत बूस्टर शॉट लें। मेक श्योर पीपल अंडरस्टैंड यू हैव टू गेट योर वैक्सीन, यू हैव टू गेट द शॉट, यू हैव टू गेट द बूस्टर। इफ यू द सूनर और लेटर वी आर गोना सी केसेस ऑफ दिस न्यू वेरिएंट हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वी विल हैव टू फेस दिस न्यू थ्रेट जस्ट एज़ वी फेस्ड दोज दैट कम बिफोर इट। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ब्रिटेन में चिंता बढ़ गई है। अब ब्रिटेन में वैक्सीन पॉलिसी से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि सभी वयस्कों को बूस्टर डोज लगाना चाहिए और इसके साथ ही 12 से 15 साल के बच्चों को कोरोना का दूसरा डोज दी जानी चाहिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कहा गया है कि दूसरे डोज और बूस्टर शॉट के बीच के अंतर को 6 महीने से घटाकर 3 महीने कर देना चाहिए। दुनिया के 16 देशों में फैल चुके कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दहशत का माहौल है, लेकिन इसके साथ ही एक राहत और उम्मीद से जुड़ी खबर भी आपको दिखाते हैं। मॉडर्ना वैक्सीन कंपनी ने दावा किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए स्पेशल वैक्सीन 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका में मेडिकल एक्सपर्ट वहां के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज की तारीख में जब ओमिक्रॉन दहशत का दूसरा नाम बन गया है, ऐसे में अमेरिका की फार्मा कंपनी मॉडर्ना ने दुनिया को राहत वाली खबर दी है। मॉडर्ना ने कहा है कि वो 2022 तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कोरोना वैक्सीन को तैयार करेगा। मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। If we have to make a brand new vaccine, I think that's going to be early 2022 before that's really going to be available in large quantities. वहीं साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष एंजेलिक कोएजी ने कहा है कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में लगभग 30 मरीजों को देखा है जिनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सी चीजों के बारे में पता चलना बाकी है। रिपोर्ट ZBDM। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से ओमिक्रॉन के प्रति दुनिया को सचेत किया है। WHO के अध्यक्ष ने कहा है कि दुनिया को एक बार फिर से एकजुट होने की जरूरत है। The emergence of the highly mutated Omicron variant underlines just how perilous and precarious our situation is. South Africa and Botswana should be thanked for detecting, sequencing and reporting this variant, not penalized. Indeed, Omicron demonstrates just why the world needs a new accord on pandemics. Our current system disincentivizes countries from alerting others to threats that will inevitably land on their shores. भारत अफ्रीकी देशों को कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन, दवाएं, टेस्ट किट और चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति करेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से दुनिया भर के देश दहशत में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ओमिक्रॉन को चिंता लेकर जता चुका है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने में अफ्रीका में प्रभावित देशों की मदद करने के लिए तैयार है। भारत प्रभावित देशों को भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करना चाहता है। भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन को WHO की मान्यता मिल चुकी है। सरकार ने बोत्सवाना को कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए मंजूरी भी दे दी है। भारत ने अब तक अफ्रीका के 41 देशों को भारत में बने टीकों की 25 मिलियन से ज्यादा खुराक सप्लाई की है। तो जहां एक तरफ कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ गई है, वहीं भारत में लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर घर दस्तक के तहत हर घर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। देश में अब तक 123 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। अब तक देश में 78 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के पहले डोज लगे हैं और 44 करोड़ से ज्यादा दूसरे डोज लग चुके हैं।
अलग अलग वर्ग के डोज की बात करें तो 18 से 44 साल के लोगों को 45 करोड़ से ज्यादा पहली डोज और 21 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज लग चुकी है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अभी कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पूरे देश में इसे लेकर अलर्ट है। केंद्र से लेकर राज्यों तक चिंता बढ़ गई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर आज सुबह अचानक मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची। मेयर ने एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किए गए उपायों का जायजा लिया। मेयर पेडनेकर ने कहा है कि अब तक मुंबई में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं। अभी जब हम एयरपोर्ट आए तो मुझे एयरपोर्ट के जो इंचार्ज है उन्होंने जानकारी दी कि 5-4 फ्लाइट रेगुलर आते हैं जो रशिया कंट्री से जुड़े हुए हैं, वो हाई रिस्क कंट्री के है। उनको एक ही ईस्ट का जो हमारा अराइवल कॉरिडोर है उधर से निकलते हैं, वही जगह पे स्कैनिंग होता है उनका, उसके बाद उनको क्वारंटाइन के लिए 7 दिन या 10 दिन आरटीपीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर पॉजिटिव भी आती है आएगी तो जीनोम सीक्वेंस की भी टेस्ट होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.